नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 3ds Max ट्यूटोरियल के नेक्स्ट लेसन में। इस लेसन में आज आपको बताने वाला हूँ चैम्फर और फिलेट एज, कैसे आप एजिस को चैम्फर कर सकते हैं इन एडिट फोली और कैसे आप फिलेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मान लो मेरे पास एक बॉक्स है, मैंने एडिट पॉली किया हुआ है। मान लो मेरे पास, मैंने एज को सिलेक्ट किया, इन एजिस को मैंने सिलेक्ट किया, इन 5 एजिस को मैंने सिलेक्ट करके, सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से चैम्फर यूज करता हूँ। राइट क्लिक करके भी कर सकता हूँ, जो ये चैम्फर है इस सेटिंग पे क्लिक करके, और इस सेटिंग पे यहाँ पे भी क्लिक करके मैं चैम्फर को यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का चैम्फर आता है। यहाँ पे सबसे पहले आता है आपका यहाँ पे चैम्फर टाइप, जो एक स्टैंडर्ड चैम्फर होता है, एक क्वाड चैम्फर होता है। सबसे पहले हम यूज करेंगे स्टैंडर्ड चैम्फर। स्टैंडर्ड चैम्फर पे क्लिक किया, यहाँ से चैम्फर को मैं प्रॉपर्टी इंक्रीज कर सकता हूँ। कितना मेरे को चैम्फर चाहिए, इतना मैं यहाँ से चैम्फर यूज कर सकता हूँ। जितना मुझे चैम्फर यहाँ पे चाहिए वो इस नेक्स्ट एज के आगे नहीं जाएगा और यहाँ पे इस एज के आगे नहीं जाएगा, एज टू एज ही वो चैम्फर करेगा। अगर मैं इस चैम्फर में सेगमेंट प्रोवाइड कर देता हूँ तो वो देखो फिलेट वाला यहाँ पे आपका इफेक्ट आ जाएगा। अगर आप चैम्फर के अंदर सेगमेंट्स प्रोवाइड कर देते हो तो आप उसे फिलेट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। क्लियर है? मान लो आपने फिलेट किया, फिलेट करने के बाद यहाँ पे ओपन चैम्फर, अगर आप इस चैम्फर को ओपन कर देते हैं तो यहाँ पे देखो ये ओपन हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे होल हो जाएगा कुछ इस तरीके से। क्लियर है? ऐसे आप ओपन कर सकते हैं। उसके बाद है ओपन, मैंने हटाया, अब है आपका स्मूथ। अगर आपने स्मूथनेस दी हुई है, देखो स्मूथ हो गया। अगर आप स्मूथनेस हटा देते हो तो ध्यान से देखो वो स्मूथनेस हट जाएगी, फ्लैट सरफेस आपका यहाँ पे बन जाएगा। ऑन करते हो स्मूथनेस आ जाएगी, हटा दोगे स्मूथनेस हट जाएगी। अगर आप स्मूथनेस लगा रहे हो तो उसमें भी आपकी दो प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी कि आपको एंटायर ऑब्जेक्ट पे स्मूथनेस देनी है। अगर आप क्लिक करते हो स्मूथ एंटायर ऑब्जेक्ट तो कंप्लीट ऑब्जेक्ट पे आपका स्मूथनेस का इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप करते हो स्मूथ चैम्फर्स ओनली, जहां जहां पे चैम्फर है सिर्फ उतने को स्मूथ करेगा। अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं इसको चेंज करूं तो देखो यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट पड़ रहा है। या तो आप कर सकते हो स्मूथ एंटायर ऑब्जेक्ट, या आप कर सकते हो स्मूथ चैम्फर ओनली। स्मूथ चैम्फर ओनली पे करोगे तो जितने पोर्शन पे आपका चैम्फर लगेगा सिर्फ वहीं पे ही आपकी स्मूथनेस आ पाएगी। क्लियर? उसके बाद है आपका स्मूथनेस अमाउंट। जितनी आप कम करोगे स्मूथनेस अमाउंट, देखो उतनी आपका फ्लैट हो गया। जितना आप स्मूथनेस अमाउंट इंक्रीज करोगे उतना स्मूथनेस अमाउंट आपका यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे करके आप इस चीज को यहाँ से यूज कर सकते हो। क्लियर है? ये तो था स्टैंडर्ड चैम्फर। अगर आप करते हो क्वाड चैम्फर, क्वाड चैम्फर में क्या होगा, अगर आपका यहाँ पे क्वाड चैम्फर करते हो तो यहाँ से आप अमाउंट इंक्रीज कर सकते हो, यहाँ से सेगमेंट इंक्रीज कर सकते हो। देखो सेगमेंट इंक्रीज करने पे भी वो फिलिट नहीं बना। तो ये अगर आपको फिलिट बनाना है तो यहाँ पे आता है एज टेंशन। आप अपने टेंशन को यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। 1 पे अगर आप टेंशन को कम करेंगे और कम लेके जाएंगे तो वो देखो कुछ इस तरीके से आएगा, वो आपका चैम्फर भी नहीं करेगा। तो टेंशन डिसाइड करता है कि कितना आपको स्मूथ चाहिए, कितना आपको इस तरीके से चाहिए। तो अगर आप मैक्सिमम 1 कर सकते हो तो कंप्लीट चैम्फर आएगा, अगर आप इसे 0 करेंगे तो वो 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो चैम्फर का इफेक्ट ही नहीं आएगा। तो इसको मैं अपने तरीके से यूज कर सकता हूँ। 0.5 करोगे तो प्रॉपर एक यहाँ पे फिलेट वाला यहाँ पे वे आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये डिपेंड करता है आपके चैम्फर पे। और इसमें भी ऑप्शन होता है कि अगर आप ओपन कर देते हो चैम्फर को तो यहाँ पे भी ऑप्शन है इन्वर्ट। अगर आप इन्वर्ट करते हो सिर्फ वही पोर्शन आपका बचेगा, बाकी ऑब्जेक्ट आपका यहाँ से हट जाएगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये वाला सिलेक्शन हट जाएगा। इन्वर्ट ओपन पे करोगे तो सिर्फ ओपनिंग बचेगी, बाकी सब चीजें आपकी यहाँ से हट जाएंगी। तो ऐसे करके आप चैम्फर को यहाँ पे यूज कर सकते हो। किसी भी चीज पे अगर आपको चैम्फर या ये लगाना है, अगर मैं मान लो इसको सिलेक्ट करके इसको लूप कर देता हूँ, मान लो एक एज को मैंने सिलेक्ट किया और लूप कर दिया, यहाँ पे क्लिक किया, लूप किया, इतने एजेस सिलेक्ट हुई, इधर वाली एजेस भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, और इधर वाली एजेस सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे अगर चैम्फर करता हूँ तो मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे इस चीज को चैम्फर कर सकता हूँ। कुछ ऐसे नंबर ऑफ सेगमेंट प्रोवाइड कर सकता हूँ, स्मूथनेस प्रोवाइड कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। क्लियर है? अब मान लो अगर मैंने यहाँ पे चैम्फर दिया,
मैंने यहाँ पे ये एज को सिलेक्ट किया और इसको मैं लूप करता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे चैम्फर प्रोवाइड करता हूँ तो मैं देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पे चैम्फर को यूज कर सकता हूँ। दो एजेस बनाने के लिए मैं यहाँ पे चैम्फर यूज कर सकता हूँ और इसके नंबर ऑफ सेगमेंट्स को मैं यहाँ पे इंक्रीज कर सकता हूँ। यहाँ पे वो स्मूथनेस वाला कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर आप इसे टेंशन भी करते हैं तो उससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो ऐसे करके आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। मान लो आपने इन चारों पे एक साथ चैम्फर यूज किया है, इसको आपने सिलेक्ट किया। अब अगर आप चैम्फर यूज करते हो तो कुछ आप इस तरीके से चैम्फर कर सकते हो। चैम्फर अमाउंट कुछ इस, अगर आपको इस टाइप की कोई शेप चाहिए यहाँ पे, तो ऐसे आप अपने चैम्फर को यहाँ पे यूज कर सकते हो। वरना आप सिलेक्ट भी कर सकते हो कोई डिजाइन बनाने के लिए कि मेरे को इतने पोर्शन पे चैम्फर चाहिए, कितना मुझे चैम्फर चाहिए, वो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। और नंबर ऑफ सेगमेंट्स कितने चाहिए, ओपन चाहिए तो आप इसे यहाँ से ऐसे ओपन भी कर सकते हो। स्मूथनेस चाहिए, स्मूथनेस भी डाल सकते हो। तो ऐसे करके आप इस चीज को यूज कर सकते हो अगर आप यहाँ से करना चाहें तो। क्लियर? तो ये था आपका चैम्फर, कैसे आप चैम्फर को यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's